1,000 रुपए 2,000 रुपए 5,000 रुपए सैलरी था। अब मैं एक ट्रेडमिल बनवाऊंगा। अबे खाने दे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो होता है सैटरडे, सैटरडे और संडे दो दिन मेरा ट्रेनिंग नहीं रहता है क्योंकि मैं लेता हूँ रेस्ट। और जितने भी मेरे क्लाइंट्स वगैरह रहते हैं, दिन भर सुबह से उठ के बस ऑफिस जाके उनसे बात करना, ये करना, वही सब लगा रहता है। बट अभी चलेंगे कार्डियो मम्मी के साथ। स्टे ट्यून्ड। की एज ऑलवेज, हमेशा की तरह फीलिंग वेरी पॉजिटिव, वेरी एनर्जेटिक। तो मेरे दिल में, मेरे मन में एक ख्याल आया, मैं बोला आप लोग के साथ शेयर करूं। अगर जो होता है ना, कुछ भी करना है लाइफ में, कुछ भी, मतलब किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी लेवल पे हो आप, डजंट मैटर, आपको दो चीज़ें जो होता है नहीं करनी है। एक तो कंपेयर, अपना कंपेयर दूसरों से, और दूसरा कंप्लेन अबाउट योर सिचुएशन। मतलब जिस भी सिचुएशन में हो आप, जैसा भी, जो भी काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कभी जो होता है मतलब कंप्लेन नहीं कि यार मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, इसके लिए वो कर पा रहा है। उससे करने से क्या होगा कि आप अपने आप को ही दुखी करोगे, आप अपने आप को ही सैड करोगे। मतलब आपको जब बुरा फील होगा तो फिर आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, और अपना जितना आपको ग्रोथ होना चाहिए उतना आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और जब हम लोग कंपेयर करते हैं ना, तो लाइफ में हम लोग कितना भी अचीव कर लें, कितना भी अचीव कर लें, और जब कंपेयर करते हैं तो हमेशा जो होता है अपने से ज़्यादा बेटर कोई ना कोई करता रहता है, तो उसको देख के फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं। मतलब अगर आप जो होता है, एक टाइम था जब मेरे पास जो होता है उतने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं था, 1,000 रुपये 2,000 रुपये 5,000 रुपये सैलरी था। तो कभी उस टाइम पे जो होता है किसी का जो होता है 15,000 सैलरी था, तो अगर मैं उससे कंपेयर करता तो मैं दुखी हो जाता कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, इसके पास है, सेम एजुकेशन है, सेम एक्सपीरियंस है, बट स्टिल जो होता है वो मेरे से ज़्यादा पा रहा है, तो कंपेयर किया। अगर जो होता है मेरी फिजीक है, मैंने किसी और के साथ कंपेयर किया, फिर मैं दुखी हो गया कि यार ऐसा है, वैसा है, वो ये है, वो है। तो कभी भी जब हम लोग कंपेयर करते हैं ना, तो हमेशा अपने आप को छोटा पाते हैं। मतलब इवन अगर मैं कितना भी जल्दी उठ के जा रहा हूँ, मेरे से पहले कोई ना कोई उठ के आएगा, फिर मैं दुखी हो जाऊँगा, शिट यार। तो कभी भी जो होता है कंपेयर करोगे ना, तो आप अपने आप को डीमोटिवेट कर दोगे। जैसे मम्मी है, लगती है कंपेयर करने, इनका बेटा वैसा है, उनका बेटा वैसा है, उनकी बेटी वैसी है, तो उनके बेटे के अंदर जो खासियत है वो देख ही नहीं पाती हैं, उनके अंदर जो चीज़ है वो देख ही नहीं पाते हैं, अपने पास क्या क्या है पॉजिटिव चीज़, वो चीज़ हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। तो कंपेयर और कंप्लेन मत करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव एनर्जी रखो। जो चीज़ सोचोगे ना वही चीज़ आपके साथ होगा। आप सोचोगे कि यार आपके साथ सब अच्छा है ना, आप बहुत ब्लेस्ड हो, भगवान हमेशा आपको देखते हैं, आप हमेशा ग्रो कर रहे हो, आप हमेशा थैंकफुल रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ भी होगा और आप आगे भी बढ़ोगे। बट अगर आप कंप्लेन करोगे, कंपेयर करोगे, तो आप अपने आप को पाओगे कि यार दुनिया के सबसे जो होता है सैड और अनलकी इंसान हो आप, जिसका लक हमेशा ख़राब रहता है, वो हमेशा हो रहता है, तो हमेशा सैड रहोगे। और जब आप सैड रहोगे ना, तो आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे, आप अपना बेटर नहीं दे पाओगे। जब बेटर नहीं दे पाओगे तो फिर लाइफ में ग्रोथ नहीं होगा। तो सिंपल है, जिस भी सिचुएशन में रहो, जैसे भी सिचुएशन में रहो, खुश रहो, मस्त रहो, नेवर कंप्लेन एंड कंपेयर विद अदर्स। यस, जो भी आपका ड्रीम है उसके लिए छोटे छोटे प्लान बनाइए, डेली बेसिस पे उसको अचीव करिए, वीकली बेसिस पे अचीव करिए, मंथली बेसिस पे अचीव करिए। कभी कभी क्या होता है कि बड़े प्लान हैं उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसमें समय लग रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। एटलीस्ट जो होता है, अगर आप देखोगे खुद से, खुद का कंपेयर करोगे, ये बेस्ट चीज़ है कि आप लास्ट टाइम आपने जो किया था तब आप कैसे थे, अभी आप कैसे हो, लास्ट टाइम आप कितना इनकम कर रहे थे, अभी आप कितना कर रहे हो, लास्ट टाइम आपको कितना नॉलेज था, लास्ट टाइम आपको कितना स्ट्रेंथ था। जब अपने आप में आप देखोगे ना, तो आपको ग्रोथ नज़र आएगा, तो बोलोगे वाओ वाह, तो आप अपने आप में अच्छा फील करने लगोगे और बेटर परफॉर्म करोगे। अभी जैसे मम्मी हैं, खुश हुई कि हम एक महीने से जो होता है जिम आ रहे हैं,
अपने आप से कंपेयर की ना कि हाँ चलो नहीं जाती थी, अब एक महीने लगातार गई। अगर वो दूसरे लेडी से कंपेयर करेंगे कि अरे बाप रे वो तो जो होता है एक साल से आ रही है, हम तो कभी आते ही नहीं, तो दुखी हो जाएंगे। तो अपने आप में खुश रहो, अपने आप से कंपेयर करो। अभी तक लंजेस करने नहीं आया, करिए करिए फटाक से, बिना बिना वेट के करिए। पकड़ा हो, चलो एक ट्रेडमिल बनवाऊंगा जिसमें जो होता है आगे सुसू करने का भी होगा, क्योंकि घंटे भर दो घंटे जो होता है कार्डियो करो, पानी पीते रहो, सुबह दो लीटर पी लेता हूँ, बार बार सारा मुक्ति लगता रहता है, मन नहीं आता है। नया वाला कार्डियो देखो, जो भी इक्विपमेंट कंपनी वाले देख रहे हैं, यूनिक आइडिया है, बना दो उसमें जो होता है, लगा दो जो होता है। अरे तुम मेरा कुछ उमा निकाल दिया। अरे नहीं, अरे यार, अरे यार क्या हुआ? आप तो बोले थे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा तो था, तभी तो कर लिए ना। ओके, नहीं तो फिर वर्कआउट करने में ही 12 बज जाता है। अच्छा, आप वर्कआउट कहाँ करती हैं? आप तो कार्डियो करती हैं। अरे वही कार्डियो, सॉरी। आपके वजह से हमको लेट हो गया, बट कोई नहीं, इट्स ओके, सह लेंगे इतना आपके लिए। बट आई एम वेरी डिसिप्लिन पर्सन, मैं अपना हर काम काम पे करता हूँ, टाइम पे करता हूँ, कोई नहीं, कभी कभी सम टाइम सैक्रिफाइस। क्या बोली? ओह माय गॉड, ओह हो, या या या, अबे चप्पल रखना, चप्पल कौन उठाते हैं, चप्पल कौन गिफ्ट करता है, हाँ मुन्नो चप्पल कौन गिफ्ट करता है? व्हाई सो एक्साइटेड, व्हाई? अच्छा लगता है मुझे। मेश, हाँ तू मेरे ऊपर चढ़ जाओ, व्हाइट व्हाइट टी शर्ट ना मेरा गंदा कर दो। ओके, क्या हो रही हो? चाटो मुझे, चाटो चाटो। नो हट से, चाटो से, चाटो। कान में लगाया और फिर भी मेरा कान सुन्न हो जा रहा है। चुप। तमिल नंबर वन, एग्स एंड एवोकाडो। मेरी गजब, ये कपड़ा दे देना, इसका हम बोट शॉट बनाएंगे, ये पहन के जाएंगे कहीं स्टेज पे जाएंगे, ये मस्त लगेगा, ये कपड़े का बोट शॉट, ठीक है? नहीं यार, बहुत अच्छा कलर है, बोट शॉट, बीच शॉट है कोई। क्या डाइट खा रही है? यही खा रहे हैं, डाइट नहीं रही है। गजब बाइसेप है, हो कितने इंच का है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फ्रंट लैट स्प्रेड करिए तो। अबे खाने दे। ओ खाना ब्रो। तो छाता तुमसे भी बड़ा है, खुलेगा तो और बड़ा हो जाएगा। इसको खोल के तुम अपना टपरी खोल सकती हो, उस पे चाय बेचो। ओ
बेटे मौज कर दी। A few minutes later, मील हो गया, नैप हो गया, पढ़ाई हो गया और भी सारे जो काम थे वो हो गए। अभी सोच रहा हूँ यार कल शूट है तो आज थोड़ा सा इसको क्लीन व्लीन करा लिया जाए और उसके बाद चलते हैं स्टोर पे, फिर उसके बाद चलेंगे ऑफिस। चल स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। उसमें हैंडल बना दिया जवान लड़खड़ा गया, बोल रहा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, 10 मिनट में हैंडसम बना देंगे। चल वेट करते हैं 10 मिनट के बाद। वाला जो होता है एकदम राजा बाबू बन गए, 100 रुपया देके और अब मील टाइम है मेरा। मैं देखो पूरा मील अपना रख लेता हूँ। और जैसे क्या होता है ना कि आप किसी भी फील्ड में हो तो आपको सब चीज़ टाइम टू टाइम करना होता है, ज़्यादा मेहनत करना होता है। अपने गेम में बॉडी बिल्डिंग में क्या है, ज़्यादा मेहनत करना कि टाइम टू टाइम आपका मील खाना, टाइम टू टाइम सोना, सब कुछ डिसिप्लिन में करना। और जितना डिसिप्लिन में करोगे उतना आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, उतना आप ग्रो करोगे। तो मील कर लेते हैं उसके बाद स्टोर पे चलते हैं। चलो भैया स्टोर पे आ गए और चलो फाइनली आज जो होता है वन साइंस का स्टॉक आ गया है और फिल के भर गया है। बट दिक्कत ये है कि जो होता है अभी फिर से ख़त्म हो जाएगा। हमारी दुकान का समस्या ये है यार, यहाँ पर कुछ टिकता ही नहीं, आता है चला जाता है। तो जाने के पहले आप अपना पसंदीदा प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्डर करें, जो भी आपकी ज़रूरत का चीज़ है। अरे अरे पिल्लू 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 छुटकू तुमको नहीं भैया देखो। और ये गुस्सा सारा मील खत्म, सारे क्लाइंट्स, ओह माय गॉड, आर्म्स पे देखो एकदम छोटे 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 वेन आ रहे, वाओ 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 ब्रो वाओ। सारा काम हो गया एकदम चपाचप, सब कुछ निपटा लिया। अभी कल है संडे, कल फिर से आके बैठना होगा, सुबह से बैठ जाऊंगा और करूंगा। कल मेरा शूट भी है वन साइंस का, देखता हूं अगर होता है तो कल भी व्लॉग बनाता हूं, अपडेट करता हूं आप लोगों को, मजा आएगा। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। चलते घर पे ओरियो रस्सी से मिलाते हैं। ओरियो सबसे प्यारा है क्या? मुन्नो 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 ये तुम्हारे नहीं, पकड़ लो कुछ नहीं करता।